बैक टू द चैनल, आई होप यू आर हैविंग अ ग्रेट डे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। जैमर में हम लगे हुए हैं, मतलब जैमर ऑपरेटर बोल सकते हो हमको, ठीक है। तो ऑल इंडिया में उसके लिए मतलब एक ऑथराइजेशन लेटर भी है अपने पास, जिससे ये प्रूफ होता है कि हम टाटा कंपनी की तरफ से जैमर्स को ऑपरेट, सर्विसिंग, मेंटेनेंस के लिए मतलब हमें ऑथराइज किया गया है। तो उस सेंटर पर जाकर हम वो सारा काम कर सकते हैं। और भैया सब बढ़िया, चकाचक। तो बस यार यही है, और मतलब ये समझ लो एक तरीके से गाड़ी का है। बस हमको जैमर की सारी बटन्स ऑन कर देनी होती हैं, बैठना होता है, देखना होता है सारे मोबाइल के नेटवर्क बंद हो चुके हैं कि नहीं वहाँ पर। और ये समझ लो हमारा रोल होता है टेक्नीशियन का उस एग्जाम में। तो अभी बज रहा है 6:30, मैं निकल चुका हूँ घर के, सारे काम कर दिए। सुबह 4 बजे समझ लो उठना पड़ता है, और सुबह 4 बजे उठना, उसके बाद फिर घर के सारे काम करना, गोबर चारा वगैरह, और फिर अभी जाकर खेत से चारा लेकर आए एक गटर, बाकी तो नहीं कर पाए बिकॉज टाइम यार काफ़ी 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 मतलब ये समझ लो लिमिटेड टाइम रहता है। तो उस लिमिटेड टाइम को पूरी तरीके से डिवाइड करके एक एक काम को हमें अंडर द टाइम करना होता है, कंप्लीट करना होता है। तो बस अगर 10 मिनट रखे हैं मैंने नहाने के लिए, 10 मिनट में ही नहा के आ जाता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, और बस यही अच्छा लगता है कि अगर घर पे बैठे रहोगे तो आप अपना टाइम मतलब या डिवाइड नहीं कर पाओगे, आप कर भी नहीं सकते हो। तो घर से निकलो, कहीं कोई जॉब वगैरह अगर करोगे तो आप ना एकदम मतलब क्या बोलते हो उसको, डिसिप्लिन हो जाओगे, आपकी लाइफ ना पूरी तरीके से टाइम के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ चलने लगेगी। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। कुत्ता सनक गया मेरे निकलने से। चलो कोई बात नहीं, पूरा व्लॉग बनाएंगे। 2 व्लॉग्स अभी पड़े हुए हैं, एक वैक्सीनेशन वाला पड़ा हुआ है, एक उसके बाद का पड़ा हुआ है। 2 व्लॉग्स पड़े हुए हैं, एडिट नहीं किए अभी तक मैंने, बट हाँ फ़ोन काफ़ी वजनदार लग रहा है और मेरे हाथ में दर्द भी होने लगता है। और चलो फिर बस मिलते बाद में, कैमरा काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। तो थैंक यू सो मच कि मेरा कैमरा अच्छा है। बाय बाय, मिलते थोड़ी देर में। ये है बाहर का नज़ारा भाई साहब, बच्चे वेट कर रहे हैं। तो भी बैठे हैं, मतलब ये समझ लो यार यहाँ पे कैंटीन का पूरा सिस्टम है। ऊपर 3rd फ्लोर है तो यहाँ पे एक दरवाजा लग गया, ऊपर फैक्ट्री है कंपनी टाइप की कुछ भी। फिर 2nd फ्लोर पे सिर्फ मतलब एग्जाम सेंटर है, ठीक है। और ये भर के जमा करना होता है ऐसा करके। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, SSC के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसमें हम जैमर वगैरह ऑपरेट कर रहे हैं। तो अभी इंट्री स्टार्ट हो गई है, बट हमारा भी कोई काम नहीं, तो हम लोग यहीं पर आराम से बैठे, मैं बैठा हूँ और मेरे साथ में एक और बंदा है, तो दोनों लोग आराम से बैठे। भूख तो बहुत तगड़ी लगती है, लेकिन अब क्या करें, जैमर वालों को खाना नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। देखो पैसा भी है ठीक ठाक नहीं, लेकिन हम लोग फ्री बैठे हैं भाई, 200 रुपये भी मिले ना तो भी बहुत है, इसलिए भी चले आए हमें। चलो करते हैं यार कुछ भी करेंगे। बाकी ये अभी कार्टून दिखाई चुके हैं, इधर पे कुछ कैंटीन वगैरह है, हाँ ग्लास वगैरह, फ्रिज रखा हुआ है। अब शाम को छुट्टी होगी, सिर्फ अभी तक मैंने 2 समोसे खाए, 2 समोसे खा के ही काम चला रहा। सुबह निकलते हैं घर से खा के 6 बजे, उसके बाद फिर बस। बड़ी देर के बाद जुगाड़ बनाया, अभी क्या टाइम हो रहा है, ठीक है, मतलब 2:05 बाकी है। एंट्री चलेगी अभी 2:30 तक, उसके बाद फिर आधे घंटे बाद तब 3 बजे पेपर स्टार्ट होगा। 3:10 पे मेरा काम है, 5 मिनट का काम है 3:10 पे, उसके बाद पूरा 40 मिनट खत्म। फिर 3:50 पे मेरा काम है 5 मिनट का, उसके बाद सब खत्म। तो जीने में बैठ गए ना, आराम से बैठे हम मस्त मौज कर। तो गाइस बस यहाँ तक, मतलब ये 88 के पास पे इधर पे एक कट पड़ता है, तो वहाँ से लवी चला जाता है भाटिया होटल के साइड में, और मैं उधर से ऐसे यहाँ तक। तो हम लोग मतलब रनिंग करने जाते हैं इधर से, मतलब ये 1600 मीटर पड़ता है वहाँ पुल तक जहाँ तक अपन जा रहे हैं, और मतलब ये 1600 मीटर में पैदल जाता हूँ। उसके बाद फिर वहाँ से ऐसे ही लगभग 1500-1600 किलोमीटर के आसपास, मतलब यार हो सकता है 2 किलोमीटर भी हो जाए, वहाँ से पड़ता है मेरा घर। तो ये समझ लो मेरे को टोटल 3 किलोमीटर या 3.5 किलोमीटर पड़ जाता है
पैदल, तो ठीक है यार, ये बस ठीक है यही बोल सकते हैं, क्योंकि दर्द तो होता है और ऐसा होता है कि मतलब मैं बता ही नहीं सकता, वाट लग जाती है। कल तो इतनी ज़्यादा धूप थी, आज तो देखो बादल हैं, मौसम भी ठंडा है काफ़ी, लेकिन कल बहुत ज़्यादा धूप थी, गर्मी भी थी, उमस, तो बस यार मैं क्या ही बोलूँ। यार वाइड एंगल नहीं होगा क्या, मैं ट्राई करता हूँ। अच्छा तो वाइड एंगल है, पीछे वाला कैमरा हो जाता है अपना। और ये क्या चीज़ है, अच्छा वाह ये भी सही है, मतलब वाइड एंगल ना पीछे वाला कैमरा होता है, फ्रंट वाला नहीं होता है। तो बस है, इतनी लंबी रास्ता है, चलना है आगे। अभी पता है ना भाई, मतलब मैंने ट्राई किया, मैंने सोचा चलो दौड़ लेते हैं, वैसे भी इधर तक रेस करने तो आते ही थे, दौड़ लेते हैं इस पूरे ग्राउंड के। हम लोग मतलब 5500 मीटर हम लोग दौड़ते थे, इसके 5 चक्कर लगाते थे, 1100 मीटर का एक चक्कर है ये, मतलब ऐसा करके पूरा वहां तक। सच बताऊं अब जब 2 फ्लोर के जीने चढ़ने में मेरी वाट लग जाती, इतना मतलब ऐसा सांस फूलने लगती मेरी, 2 फ्लोर जीना चढ़ने में, जहाँ पर हम लोग ड्यूटी करते, जहाँ पर सेंटर है, 2 फ्लोर सेकेंड फ्लोर पे, अगर नीचे से मान लो हम दोपहर में ऊपर चढ़ के जा रहे हैं, तो मतलब यार ऐसा लेथन हो जाती है कि मैं बता ही नहीं सकता समझो। और अभी मैंने सोचा कि चलो दौड़ के जाते हैं थोड़ा सा, लेकिन बस क्या बताएं यार, नहीं हो सकता। अभी एक स्कूटी से जा रहे थे भैया, वो भी देख रहे हैं मुड़ के, एक बच्ची बैठी हुई है वो भी देख रही है, यार क्या कर रहा है। वैसे मैं बैक कैमरे से इसमें ब्लॉक कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं बस दौड़ा यार, मतलब 10 मीटर मान लो मेरी सांस ऐसा फूलने लगी, मैंने बोला बस पैदल अब चलते हैं, दौड़ते नहीं है यार। पहले क्या टाइम था, मतलब अब लग रहा है कि भाई हम कमज़ोर हो गए, बूढ़े हो गए हैं। चलो ब्लॉग बंद करते हैं अभी। जानी ने रो रो कर समंदर भर दिए, क्या तुम भी रो रो कर नदियां भरते हो, एक बात बताओ तो यादों में मरते हो, क्या तुम हमसे अब भी मोहब्बत करते हो, तेरा रे रा 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 तेरा रे रा रे रा रे रा रे रा रे रा रे रा रे रा। मतलब अच्छा लगा मेरे को, लगा हाँ गाने लायक है। मतलब अभी समंदर अभी तो नहीं भरा, लेकिन कुछ दिन पहले भाई साहब नदी हुई एकदम टॉप लेवल पे, पुल के ऊपर चल रही थी, अगर समझ जाता तो कमर तक मैं डूब ही जाता, तो ऐसा इतना ऊपर चल रही थी। बाकी बाय, ब्लॉग जल्दी आने वाले हैं, कैमरा मस्त है।